हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स। यूनिट नंबर वन, नेम इज अल्गे एंड चैप्टर नंबर वन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक अल्गल सेल। वी आर स्टडीड इन फर्स्ट ईयर व्हाट इज अल्गे। द वर्ड ऑफ अल्गे डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, राइट? So what is the meaning of algae? The word of meaning, this term is sea weeds. Iska meaning kya hai? Sea weeds. G.M. Smith defines algae as a simple plants with autotrophic mode of nutrition. Isko plants ke andar involve kiya hai. Isiliye iska mode of nutrition kya hai? Autotrophic. That means it's ओवन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ये अपने आप फूड का मैन्युफैक्चर कर सकता है, राइट? इसीलिए इसको क्या बोला है? ऑटोट्रॉफिक। मोस्ट ऑफ द अल्गे आर एक्वाटिक एंड शेयर वाइड रेंज ऑफ फ्रेश एज वेल एज अ मराइन एक्वाटिक हैबिटेट। हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में अकरेंस देखा था अल्गे का। सो थ्री टाइप्स ऑफ अल्गे, one is a terrestrial algae, second is a aquatic algae, and last is a unusual habitats, right? उसमें हम लोग ने देखा था बहुत सारे ऐसे habitats है, epiphytic है, endophytic है, right? क्यों, उसको क्या बोला जाता है? Unusual habitat। तो algae है वो सभी जगह पे world wide distribute है। algae are terrestrial, मोस्टली अल्गे है वो टेरेस्ट्रियल अल्गे है, राइट? मेनी ऑफ देम आर स्मॉल एंड मैक्रोस्कोपिक वाइल सम प्रोसेस अ लॉन्ग थैलस। अल्गे स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज अ थैलस? थैलस मीन्स अनडिफाइनेट ट्रू स्टेम्स, लीव्स, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट? जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है, उसको क्या बोला जाता है? थैलस स्ट्रक्चर बोला जाता है। द स्टडी ऑफ अल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अल्गे को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। एंड अदरवाइज सेकंड टर्म इज अल्गोलॉजी। सेकंड टर्म क्या है? अल्गोलॉजी। एंड हु स्टडीज इट्स नोन एज अ फाइकोलॉजिस्ट। और जो अल्गे का स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजिस्ट। द थैलस ऑर्गेनाइजेशंस अल्गे हैव अ वाइड रेंज ऑफ थैलस डाइवर्सिटी फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था रेंज ऑफ थैलस, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है रेंज ऑफ थैलस। उसमें हम लोग यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर, जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है वैसे ही जो प्लांट्स है, ये थैलस स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हम देखने वाले हैं। सो यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, थैलस स्ट्रक्चर है, वो हम देखेंगे। एंड इन इट अल्ट्रा स्ट्रक्चर इट इज़ अ फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक। ये भी हम लोग को पता है कि व्हाट इज़ अ प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज़ अ यूकैरियोटिक, क्योंकि हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंट अबाउट ये दिस टू टर्म्स? ये दो टर्म्स जो है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं रहती, इट्स एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट? एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट है। ये इसका मेन डिफरेंस है। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस है, राइट? और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो एडवांस स्ट्रक्चर है, राइट? सो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक अल्गल सेल। हम लोग स्पेशली अल्गल सेल जो है उसका यूकैरियोटिक सेल हम लोग देखने वाले हैं, राइट?
So, eukaryotic algal cell contains a true nucleus and other membranes bound organelles for photosynthesis, respiration and another physiologically reactions, right? And ideally eukaryotic cells contain the following features. आज हम देखने वाले हैं कि उसके content features कैसे कैसे है. जो algal cell है उसका जो structure है वो other eukaryotic जो cells है ना उसके जैसा ही है. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, उसमें सारी ऑर्गेनल्स दिखाई दी है. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सिलियम है, बेजल बॉडी है, राइट, वैक्यूल है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पायरेनॉइड्स, राइट, आई स्पॉट. ये सारी ऑर्गेनल्स है वो आल्गे स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर होती है. ये सारी ऑर्गेनल्स अदर जो ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसमें भी दिखाई देती है. तो यही स्ट्रक्चर है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. आल्गे इज अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर विदाउट रूट स्टेम्स और लीव्स बट हैव अ सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये फर्स्ट सेम में आ ही गया है, राइट. एल्गल जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है. इसको थैलस स्ट्रक्चर बोला जाता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज विदाउट रूट स्टेम और लीव्स, राइट, बट हैव अ सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इसके पास सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है. एल्गे कैन बी फाउंड वर्ल्ड वाइड इन सीज, फ्रेश वाटर एंड वेस्ट वाटर. आल्गे है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हुई है, राइट. वो सभी जगह पे दिखाई देती है. पानी में भी होगी और टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पे भी दिखाई देती है. यूकैरियोटिक आल्गल सेल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. अभी हम लोग ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो आउटर जो लेयर है वो कौन सा होगा? सेल वॉल होगा. कौन सा होगा? सेल वॉल. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज नोन एज अ सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, राइट. ये जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज. उसके बाद का जो लेयर है, नेक्स्ट टू लेयर द सेल वॉल लाइज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम लोग को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको सेमी परमिएबल क्यों किया बोला गया है? क्योंकि ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है और माइक्रोमोलेक्यूल्स है वो सिलेक्टिव मोलेक्यूल्स को अंदर और बाहर करता है, राइट. इन एंड एग्जिट करने का काम कौन सा लेयर का है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, राइट. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ परमिएबल पैसेज वे फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट टू कम इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. इट्स मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. अभी ये जो लेयर है वो किससे बनता है? लिपोप्रोटीन. ये याद रखना है क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है. तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? This is a permeable passage for specific compound to comes in and out of the cell. ये cells के अंदर और बाहर करने का काम करता है. कोई भी component से उसको अंदर आना है तो उसको permission लेनी पड़ेगी. तो permission कहाँ से मिलती है? Plasma membrane से. क्योंकि plasma membrane को पता होता है कि कौन से materials को अंदर जाने देना है और कौन से materials को बाहर भेजना है, right? ये जो स्ट्रक्चर है पूरा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. एक्चुअली ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने 11, 12 साइंस में पढ़ ही लिया है, राइट. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली बना किससे है? उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नॉन पोलर एंड पोलर प्रोटीन्स रहते हैं, राइट. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, राइट. उसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट चेन्स रहता है, उसको बोला जाता है. उसके अलावा है ग्लाइकोप्रोटीन, राइट. सो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर होता है और प्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन रहता है. इससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो बनती है. Algal cell are surrounded by a cell wall. That means outer layer is a cell wall that is a rich level in a carbohydrate. अभी ये जो cell wall है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में carbohydrates का level होता है.
एल्गल सेल वॉल आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलस. मैंने पहले ही बता दिया था कि सेल वॉल इज अ आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज अ मेड अप ऑफ सेल्यूलस बट समटाइम्स कंटेन ऑफ पैक्टिन विल बी प्रेजेंट. आल्गे जो सेल वॉल है उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पैक्टिन स्ट्रक्चर जो है वो भी प्रेजेंट रहता है. उसके अलावा भी मैंने बोला हेमिसेल्यूलोस भी प्रेजेंट होता है. द साइटोप्लाज्म, ये नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है, द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल इज द रीजियन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम लोग जितनी भी ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले आज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी जो ऑर्गेनल्स है वो हमें कहाँ पे दिखाई देती है? साइटोप्लाज्म में, राइट. तो साइटोप्लाज्म कैन ऑल्सो बी नोन एज अ साइटोसोल्स. ये दूसरा नाम क्या है उसका? साइटोसोल्स. नेक्स्ट, ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करें तो वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन टू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं कि जितनी भी ऑर्गेनल्स होगी, लाइक दैट अभी बात कर रहे हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम्स की खुद की एक मेम्ब्रेन होगी, राइट. इसीलिए इसको क्या बोला गया है? यूकैरियोटिक सेल्स. मैंने पहले ही बता दिया कि यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें जितनी भी ऑर्गेनल्स है वो सारी ऑर्गेनल्स की एक खुद की ऑन मेम्ब्रेंस बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ऑन मेम्ब्रेंस, खुद की मेम्ब्रेंस होती है, राइट. उसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनल्स होगी उसकी डबल मेम्ब्रेंस होती है, किसी में सिंगल्स मेम्ब्रेन होती है, राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनल्स की. सो फर्स्ट इज द राइबोसोम्स इन आल्गे आर द सेम राइबोसोम्स दैट आर द इन एनी अदर यूकैरियोटिक सेल्स. कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स ले लो, उसमें जैसा भी राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर आल्गे स्ट्रक्चर में. आप लोग को पता होना चाहिए कि ये राइबोसोम्स है वो कहाँ पे होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर रहता उसको क्या बोला जाता है? ER, राइट. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. फर्स्ट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्मूथ और रफ क्यों बोला गया है? क्योंकि जो रफ इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे स्मॉल लोब्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, वो राउंड शेप में जो है वो क्या है? राइबोसोम से. तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम रहता है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये सरफेस को रफ बोला गया है. और ऐसा राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होगा, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है. उसके बाद देखते हैं कि दे आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. ये किससे बनता है? आरएनए एंड प्रोटीन, और ये उसका मैन्युफैक्चर करता है. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एल्गल सेल लोकेटेड इन द सेल साइटोप्लाज्म इज अ कवर्ड विथ राइबोसोम्स, राइट. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी अभी हमने देखा कि जो बार की जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उस पे ऊपर हम लोग ने देखा जो राउंड शेप स्मॉल स्ट्रक्चर थे वो किसके थे? राइबोसोम्स के, राइट. उसके बाद हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस, उसको अदर नेम्स भी है, गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है. द गोल्गी एपरेटस इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स फाउंड इन द मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एंड ये स्ट्रक्चर भी सेम होगा. अदर यूकैरियोटिक सेल्स ले लो, एल्गे के अलावा कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी सेल का स्ट्रक्चर है ऐसा ही स्ट्रक्चर एल्गे में दिखाई देता है. अभी ये ऑर्गेनल्स का फंक्शंस क्या है? दिस ऑर्गेनल्स सर्व्स एज द मॉलिक्यूलर सॉर्टिंग स्टेशंस डायरेक्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू देयर करेक्ट लोकेटिंग इन द सेल्स, राइट. आप लोग ने स्टैंडर्ड 11th और 12th में ये स्ट्रक्चर्स डिटेल्स में देखा होगा. मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये एक्चुअली गोल्गी एपरेटस है वर्क कैसे करता है. तो इसके अंदर वेसिकल्स रहती है. क्या होती है? वेसिकल्स.
यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, राइट, ये क्या है, वेसिकल्स है। अभी ये जो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो उसको ये वेसल्स के अंदर इनबिल्ट हो जाती है और वो वेसिकल्स है और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को जिस जगह पे भेजना है उस जगह पे वो मूव होता है, राइट। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दिस ऑर्गेनल्स प्रोवाइड्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी आप लोग को पता होगा लाइसोसोम से उसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। सो सुसाइड बैग क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है कि जो भी डेड मटेरियल होगा सेल्स के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डेड हो जाती है, राइट, तो वेस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। अभी वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो वो डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, राइट। तो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लाइसोसोम से, राइट। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोग को पता ही होगा, क्लोरोप्लास्ट इन द एल्गल सेल, और उसका फंक्शन क्या है, नॉर्मली उसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, राइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की इस प्रोसेस से फूड मैन्युफैक्चर होता है, राइट। इट कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है उसके बाद पिगमेंट्स रहता है, उसमें मेन पिगमेंट्स कौन सा होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, दिस इज अ मेन क्लोरोफिल कंपोनेंट। उसके अलावा भी होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, वहाँ तक होता है, और उसके अलावा भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड एज वेल एज ईटीसी, व्हाट इज ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पूरी एक प्रोसेस है ईटीसी। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग सिलेबस में पढ़ चुके हो ये स्ट्रक्चर ईटीसी का। द माइटोकॉन्ड्रिया इन एल्गल सेल्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड दिस स्ट्रक्चर लाइक द रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, राइट। ये सारी ऑर्गेनल्स है वो कहाँ पे दिखाई देती है, साइटोप्लाज्म में, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है एंड डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होगी ना वो स्ट्रिप लाइक होगी, राइट, ओवरलैप होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होगी, रॉड टाइप है। दिस ऑर्गेनल सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल्स। इसको पावर हाउस बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि इसमें एनर्जी है वो जो स्टोर होती है। एल्गे सेल्स हैव अ पेरोक्सिसोम्स दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स विच कंटेन अ वाइड वेराइटी ऑफ द एंजाइम्स दैट कैटालाइज अ वेराइटी ऑफ द मेटाबोलिक रिएक्शंस। अभी ये पेरोक्सिसोम्स ऐसी ऑर्गेनल्स है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स रहते हैं, और वो एंजाइम है बहुत सारी ऐसी मेटाबोलिक जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हेल्पफुल है। तो पूरे जो एंजाइम्स है उसका प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, पेरोक्सिसोम्स में। यूकैरियोटिक एल्गल सेल कंटेन थ्री डबल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड वन ऑफ दिस इज न्यूक्लियस, राइट। जो न्यूक्लियस है वो कॉमन मेम्ब्रेन है, राइट, क्योंकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल ले लो उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, उसमें से एक ये न्यूक्लियस है। इन मोस्ट एल्गल सेल्स देयर इज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस विच होल्ड मोस्ट ऑफ डीएनए। आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियस है उसका काम क्या है, हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहता है, क्या रहता है, क्रोमोसोम्स। अभी ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आप लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ये क्रोमोसोम्स है वो किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से बनता है, किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। इसलिए उसको बोला गया है कि इन मोस्ट एल्गल सेल देयर इज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस विच होल्ड मोस्ट ऑफ डीएनए। अब ये किसको होल्ड करता है, डीएनए को, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो डीएनए की वजह से जो पेरेंट्स है उसमें से जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगी
उसमें जो भी कैरेक्टर आते हैं वो कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं, ये डीएनए की वजह से आते हैं, राइट। तो ये डीएनए है वो कहाँ पे होल्ड होता है, न्यूक्लियस में होल्ड होता है, राइट। इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इज ए स्ट्रक्चर नॉन एज अ न्यूक्लियोलस, यहाँ पे है कि जो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस है, राइट। अभी न्यूक्लियस के बीच में जो सेंटर पार्ट आपको दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस, राइट। स्पेलिंग है वो बहुत ध्यान से देखना है। दिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस राइबोसोम्स दैट इवेंचुअली मूव ओवर द न्यूक्लियस, राइट। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि दिस स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियोलस की, राइट। न्यूक्लियस प्रोड्यूस राइबोसोम्स दैट इवेंचुअली मूव ओवर द न्यूक्लियस एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोड्यूस राइबोसोम्स का होता है यहाँ पे होता है न्यूक्लियस में, राइट। अभी ये न्यूक्लियस से वो राइबोसोम से मूव होते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट। अभी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुंह क्यों होते हैं, क्योंकि उसका फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइट। इसीलिए वो यहाँ से मुंह होके वहाँ पे जाता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा आर नैरो चैनल लोकेटेड इन नैरो एरियाज ऑफ द सेल वॉल कॉल्ड इज अ प्राइमरी पिट फील्ड। ये नैरो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे आप लोग सेल वॉल्स दिखाई देता है, यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों साइड उसके बीच में जो चैनल्स दिखाई देती है, राइट, इसको बोला गया है डेस्मोट्यूब्यूल्स। क्या बोला गया है, डेस्मोट्यूब्यूल्स। अभी इसकी ही बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर है। जो कंपोनेंट्स है, जो भी मटेरियल्स होगा, मैक्रो एलिमेंट्स हो गए, उसके अलावा माइक्रो एलिमेंट्स हो गए, उसकी जो मूवमेंट करवाता है, राइट, वो मूवमेंट कहाँ से होती है, तो यहाँ पे एक नैरो चैनल है, राइट, उसकी मदद से वो मूवमेंट होती है। दे एलो द मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, राइट। उसके अलावा मैंने मॉलिक्यूल्स की बात कर दी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका भी ये मूवमेंट्स करता है, राइट। नेक्स्ट इज द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन एल्गल सेल। हम लोग को पता है कि जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर सेंट्रियोल्स है वो एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल्स इन सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ये सेंट्रियोल्स का काम क्या है वो भी आप लोग को पता होगा। एक्चुअली सेंट्रियोल्स है उसका मेन फंक्शन से वो डिविजन्स में होता है। हम लोग ने माइटोसिस और मियोसिस डिविजन पढ़ा होगा, राइट, वहाँ पे सेंट्रियोल्स ऐसा स्ट्रक्चर आता था। उसके अलावा भी इसका एक फंक्शन से जो सेंट्रियोल्स है वो किससे बनता है, ये जो माइक्रो ट्यूब्स है, राइट, वो इससे बनता है। एंड इधर लिखा है कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन एल्गल सेल, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है उसका काम क्या है, अभी ये बात हम करते हैं कि यूकैरियोटिक एल्गल सेल्स कंटेन थ्री डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स एंड वन ऑफ दिस इज अ न्यूक्लियस। एंड एल्गल आर एक्वाटिक, दे हैव अ फ्लैजेला एंड सिलिया। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो प्लांट्स है एक्चुअली मूवमेंट्स नहीं करते, राइट, जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है लाइक दैट एल्गे, राइट, वो मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट किसकी वजह से करता है, एल्गे की जो मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये दो स्ट्रक्चर। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, वन इज अ फ्लैजेला एंड अनदर इज अ सिलिया। एंड दिस स्ट्रक्चर फॉर्म अ रिंग अराउंड एंड इनर सेंट्रियल पेयर्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो माइक्रो ट्यूब्यूल्स का, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, राइट। वो जो फ्लैजेला और सिलिया जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल से बनता है, दैट अराइज फ्रॉम अ प्लेट नियर द सेल सरफेस। ये कहाँ पे होता है, एक्चुअली ये सेल सरफेस जो है उसके नियर ही होता है, जो सेल वॉल की बात की है, राइट, यहाँ पे। एंड फ्लैजेला एंड सिलिया आर सिंपली यूज फॉर अ मोटिलिटी। इसका मेन फंक्शन क्या है, मोटिलिटी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, राइट। तो वो किसकी वजह से होता है, ये फ्लैजेला और सिलिया की वजह से।
अभी ये फ्लेजेला और सीलिया जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है इसकी बात हम थोड़ी बात कर ले। तो ये बनता है माइक्रोट्यूबुल से। हम लोग ने पढ़ा होगा 9+2 की अरेंजमेंट, राइट। ये 9+2 की अरेंजमेंट किया है, 9+2, 9 होते हैं वो आउटसाइड होते हैं और 2 जो माइक्रोट्यूबुल्स हो गए वो सेंटर में हो गए। इसी तरह ये फ्लेजेला और सीलिया है वो उसका पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर बोला जाता है वो स्ट्रक्चर है। एंड फ्लेजेला नॉर्मली इज अ 2 टाइप्स, राइट। फ्लेजेला है वो कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज अ टिनसेल एंड अनदर इज अ विपलेस। अभी कोई भी फ्लेजेला का स्ट्रक्चर हम इधर बना लेते हैं कि ये फ्लेजेला है, मान लो नॉर्मल फ्लेजेला है। अभी ये फ्लेजेला की जो आउटर सरफेस है, राइट, ये जो फ्लेजेला मैंने बनाया, यहाँ पे एक सरफेस में हम लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होता है उसको विपलेस टाइप ऑफ फ्लेजेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विपलेस टाइप ऑफ फ्लेजेला। एंड दिस इज अ स्मूथ सरफेस, दैट्स कॉल्ड टिनसेल टाइप्स ऑफ फ्लेजेला, राइट। ये 2 टाइप्स होते हैं फ्लेजेला के, राइट, टिनसेल एंड विपलेस, राइट। ये पूरा ऑर्गेनल्स के बारे में हमने आज बात की कि जो स्ट्रक्चर जो हमने देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल, उसके अंदर हमने पूरी ऑर्गेनल्स के बारे में बात की है। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन 3 मार्क्स फॉर द एग्जाम्स, राइट। सो ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे वो आप लोग को अभी से नोट करना है, राइट। मैंने बोल ही दिया था पहले लेक्चर में कि आप लोग को फेयर बुक बनानी है और फेयर बुक में ये क्वेश्चन लिखना है, राइट। ओके, थैंक यू।